सो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, दो दिन से कंटिन्यू व्लॉग आ रहे, अच्छा है कि आपको अपडेट तो पता चल रहा है कि क्या चल रहा है जीवन में। जल्दी ट्रेन जाओ कि फाटक खुले, दोस्त के पास जाए, फिर आज का काम धाम चालू किया जाए। आज इस पे नंबर प्लेट लगा दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रुक जा रुक जा रुक जा ना, अरे भैया जाने दिया होता यार, इतनी खतरनाक बेइज्जती कर दी यार। ये गाय वहाँ क्या कर रही है? बस बने रहिए, दिखाते हैं कहाँ पे आए हैं, क्योंकि इससे आगे तो और जा ही नहीं सकते कहीं पे। जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे। इस जगह पे आके ना काफ़ी देर तक बैठा भी था, तब कॉल नहीं आया। ओ तुझा, अरे बाप रे, ये तो एकदम रियल एडवेंचर है। अरे तू पण मारणार का उडी खरच? यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो भाई बहुत गजब की हाइट है, मतलब कह सकते हैं दो मंजिला हाइट है। लास्ट टाइम हम जब एक बावड़ी में नहाने गए थे तो बिल्कुल उड़ी मार नहीं पाए थे एक लेवल से। यहाँ से वो गांव के बच्चे आए, मारना पड़त उड़ी मार एक दफा, खूब खूब पता नहीं यार कैसे उनको पूरा, उनको ना ये गांव के लोग, यहाँ के लोकल ही, उनको यहाँ का पूरा पता है किधर गड्ढे हैं किधर पत्थर है। ये देखो यार बापा, अरे हे वो अयो, क्या कहे यार, गजब बुरी मार रहे यार। एकदम मस्त सुकून मिला इस छाव में आके, और वो जो, और ये जो आपने सीन देखा कि बच्चे लोग इतने ऊपर से उड़ी मार रहे थे, मिस कर दिया मैंने। गोप्रो को अगर पूरा वाटरप्रूफ केस ले गया होता ना तो भैया उसके हाथ में दे दिया होता मैं, और कहता कि बेटा ले और जा मार उड़ी, तो कल मैं सेम इसी टाइम पे वहाँ पे जाऊँगा गोप्रो को पूरा वाटरप्रूफ करके और अच्छे व्यू कैप्चर करूँगा। बहुत अजीब सा लगता है यार, रोज़ रोज़ यही सब चीज़ देखो, सब कुछ बंद है, दुकानदार बाहर खड़े हैं, लोग यहाँ वहाँ से छोटे मोटे सामान ले रहे, क्या हो गया इस दुनिया को, ऐसे ही चलता रहेगा दुनिया। और ये क्या हो गया भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरा रास्ता बंद कर दिया है भाई। ये देखो 24 घंटे में क्या हो गया, पूरा रास्ता ही बंद कर दिया, मतलब इतना 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 ख़राब सिचुएशन आ गया है कि यहाँ पे पूरा रास्ता बंद करना पड़ा। जिंदा है, जिंदा है, क्योंकि हर जगह से गायब है तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। सूरज देवता एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में निकल रहे और अपनी रोशनी इस पूरे दुनिया पे दिखा रहे। थोड़ी सी रोशनी कोरोना वायरस पे भी दिखा दो कि साला जड़ से ख़त्म हो जाए। बस दोस्त का घर का सहारा है, इस लॉकडाउन में जी पा रहे, वरना काम भी छूट रहा है, काम भी नहीं हो रहा है, दोस्त की शादी भी नहीं हो पाई। 3 दिन शूट था दोस्त की शादी में, कैंसिल हो गया शादी, काम भी गया, वरना कहीं और क्या बोलूँ, अब छोड़ो जाने दो, पहले घर चल। सुबह मौका मिल गया चाय पीने का बाहर का। वैसे भी जब से लॉकडाउन चालू हो गया तब से धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे ऐसा हाल हो गया है। पहले मतलब हल्का लॉकडाउन, उसके बाद थोड़ा और हल्का, उसके बाद थोड़ा और हल्का, अभी ऐसा लॉकडाउन हो गया कि घर के बाहर निकल तो सीधा डंडा पेल लेंगे। यहाँ पे सुबह सुबह चाय मिल गया, कुछ मिनटों मिनट का दुकान बंद हो जाएगा, फिर पता नहीं दिन भर क्या करेंगे ये, और हम दिन भर पता नहीं क्या करेंगे। सो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। जिस तरह आपने ये 2-3 दिन का ब्लॉग मिक्स देखा, काम धाम कुछ नहीं है,
काम भी बंद हो गया, दोस्त की शादी भी कैंसिल हो गई, कुछ पर्सनल इशू हुआ इसलिए कैंसिल हो गई। अगर ये अगर शादी इधर नहीं होता तो मेरा एक और डेट था गुजरात में, जहाँ पे 21 तारीख से लेके पूरा 30 तारीख तक पूरा काम था, लेकिन इस काम की वजह से मैंने वो काम नहीं लिया, ना ये काम रहा ना वो काम रहा, बस खाली बैठे रहे घर पे इस लॉकडाउन में, कहीं से भी कमाने का कोई सोर्स नहीं, और ब्लॉगिंग भी ठीक से अपना हो ही नहीं पा रहा, बाहर ही नहीं जा पा रहे, गाड़ी नहीं चला पा रहे, चलाएंगे तो सीधा बंद इलीगल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से कभी कभी बाहर घूम लिया करते रिक्स लेके, बस इतना ही कहना है, बाकी अब देखते हैं 30 तारीख क्या, 1 तारीख बाद क्या अनाउंसमेंट आता है। अभी मैं कुछ कहने जा रहा हूँ उसको दिल पे मत लेना, बस मजाक में ले लेना, कि जब स्टार्टिंग में कोरोना वायरस हुआ था तब बहुत कुछ हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ किया था, थाली बजाओ, फिर रात को दिया जलाओ, लाइट बंद कर दो, कितने सारे एक्टिविटीज़ कराए थे यार। लेकिन और अभी जो लॉकडाउन, अभी जो कोरोना वायरस वापस हुआ और लॉकडाउन किया है, मिस कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो आ जाए कि फिर से तहलका मच जाए। तो आप लोग में से कौन कौन लोग मिस कर रहे हैं इस एक्टिविटीज़ का जो पहले हमने फर्स्ट लॉकडाउन में किया था, फर्स्ट कोरोना वायरस में, ये कोरोना वायरस 0.2 जो अभी आया है एक्चुअल, इसमें ऐसा कुछ अनाउंसमेंट कब आएगा? दिल पे मत लेना, बस मजाक में बोल रहा हूँ यार, और कुछ नहीं। और एक चीज़ दिल से बोलना चाहूँगा कि भगवान बिल्कुल ना करे कि आप में से किसी के घर पे किसी को कोरोना वायरस हो, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को भी ना हो, क्योंकि इसके बाद जो तकलीफ होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ वही फील कर सकते हैं और उनके घर वाले। सो किसी को कुछ ना हो, बस सब लोग ध्यान दे, अपने पेरेंट्स पर ध्यान दे। हमारे घर पे भी हैं 2 जन काम करने वाले, मैं बस यहाँ वहाँ भटक के जी रहा हूँ। तो सब लोग ध्यान रखो, बस भले ये लॉकडाउन हो जाए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम धाम बंद हो चलेगा, लेकिन साला कोरोना नहीं होना चाहिए बस किसी को, उसके बाद ना बहुत तकलीफ़ होता है। सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं ऐसे ही टूटे फूटे ब्लॉग में जल्दी। यस।